आज में पूरी एनर्जी लगा दी कल की। मैं सोचिए मैंने आज सुबह ठाना था कि आज मुझे ये लक्ष्य किसी के आदमी पूरा करना है और शाम होने से पहले करना है, तो मैंने अभी 3 बजे इसे पूरा कर लिया है। फाइनली गाइस मैं ये कर दिखाई मैंने, और ये मेरे 7 डेज की कड़ी मेहनत और खुद पे विश्वास से मुमकिन हो पाया। मैं इन लास्ट 7 डेज में अपने आप को भूल गया था और बस मुझे एक ही दिखती आगे रास्ता दिखता था, और बस ये दिखता कि आगे जाना है, रुकना नहीं है। बस मैं इस लक्ष्य से इमोशनली फिजिकली और मेंटली जुड़ गया था और पूरा अपने आप को इसमें झोंक दिया था। अब जितना हो सके मैंने जितना हुआ उससे मैंने पूरा दिया और मैं इसे पूरा कर पाया। आपको बता दूंगी लास्ट टाइम मैंने यही वीडियो बनाया था इसी टाइम पे, और इस बारे में बात की थी मैंने कि बीकानेर जाऊंगा, लेकिन मैंने आज यही वीडियो बना रहा हूँ और इसको पूरा करके दिखाया मैंने। आप सोच सकते हैं इसमें कितना कॉन्फिडेंस और जज्बा सांस लगा है और तब ये पूरा हो पाया है। मतलब 7 दिन को इतना कंट्रोल करना इतनी मामूली बात नहीं है, इसको पूरा करके ही जाना है घर पे। 750 किलोमीटर पूरे करने ही है किसी भी हालत में, और मैंने पूरे किए। तो मैं यार बोलता हूँ ना तो मैं एक्सरसाइज भी लेता हूँ, बस बोलता ही नहीं मैं, काम भी करके दिखता हूँ। और जब आप कड़ी मेहनत करते हैं लगातार तो रिजल्ट जरूर मिलते हैं यार। बस आप में वो जज्बा कॉन्फिडेंस और वो लक्ष्य प्रति पागलपन होना बहुत जरूरी है, तभी आप उस लक्ष्य को पूरा कर पाएंगे। नहीं ऐसे तो बहुत करते हैं, बस बीच में छोड़ देते हैं, सर पूरा अपने आप को उसमें झोंकना पड़ता है तब वो पूरा होता जा जाके। ऐसे कुछ नहीं होता, 10 से 15 मिनट से लंबा ब्रेक भी नहीं लिया, वो लगातार चलता रहता रास्ते में चढ़ा हुआ थे चलता, फिर वापस बैठता साइकिल पे, फिर वापस चलता, लेकिन मैंने लंबा ब्रेक नहीं लिया। और दिन में लगभग 11 से 12 घंटे साइकिल चलाता था कंटिन्यू। मतलब नॉर्मल व्यक्ति तो सोच नहीं सकता कि उसमें कितनी मोटिवेशन और एनर्जी लगती होगी। मेरी कड़ी मेहनत और साथ से ये मुमकिन हो पाया, और मैं आगे भी ऐसे करता रहूँगा, लाइफ में रुकूंगा नहीं। बस ये तो एक शुरुआत थी, एक छोटे लक्ष्य की शुरुआत थी। मैंने बहुत नए नए चीज़ें सीखी, नए अनुभव किए, नए लोगों से मिले, बातें की, कई लोगों ने नज़रअंदाज भी किया, कई ने सराहना भी की, बहुत लोग मिले जिन्होंने बेस्ट ऑफ लखा शुभकामनाएं दी मुझे, लेकिन फिर भी कई लोग तो नोटिस नहीं करेंगे आपको, इतना कुछ कर लो क्योंकि आप लोगों को नहीं सुधार सकते। बस आप खुद को सुधारो और खुद में इम्प्रूवमेंट लाओ, तभी आप लाइफ में कुछ बड़ा और लोगों से हटके करवाओगे। बहुत बड़े लेकिन आप कितने भी मोटिवेशन और वीडियो देख लो, लेकिन आप जब तक खुद में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, खुद से सुधार नहीं करोगे, खुद से नहीं सीखोगे, तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। अपनी सोच को पॉजिटिव रखो। मैंने कभी नेगेटिव थॉट नहीं लाए, हमेशा आपको पॉजिटिव रखा कि मैं करूँगा, इसको जरूर करूँगा, आज इतना किया, अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है, अब यहाँ जाना है। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव सोच रखी और रुका नहीं, हार नहीं मानी मैंने। कभी कभी तो मुझे रोना आ जाता था कि अब क्या करूँ, जब रात को रुकने के लिए जगह नहीं मिलती थी, लेकिन फिर अपने आप को कंट्रोल करता, कहीं ना कहीं हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिल जाएगी। रात को सर्दी लगती, दोपहर में गर्मी लगती, मुझे लगता है यार कि अगर आप गॉड को सच्ची दिशा से आओ ना तो आपको साथ जरूर देता है, और विपरीत में भी आपको हार नहीं माने देता। मैं सीखने में बहुत कुछ है, लेकिन आपको सीखना कैसे वो आना चाहिए। आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद इन 7 दिनों में इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैं आगे और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।